बच्चों, देखिए मैंने जीवन सूत्राणी पाठ अभी अभी आपको पढ़ाया है सारे श्लोक, तो सारे श्लोकों का हिंदी अनुवाद होमवर्क की कॉपी में करना है, क्योंकि ये समस्या आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, रोज कॉल करके पूछते हो, इसलिए बता रही हूँ कि होमवर्क की कॉपी में आपको हिंदी अनुवाद बनाना है, और ये जो प्रश्नोत्तर है ये क्लास वर्क की कॉपी में करना है। स्पष्ट हो गया या अब भी बताओ? ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, भूमे गुरुतरम के मस्ति, भूमे गुरुतरम के मस्ति, इसका अर्थ है कि भूमि से भी भारी क्या है, भूमि से भी भारी क्या है? उत्तर है माता गुरुतरा भूमि, माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है या भूमि से भी अधिक भारी है? ठीक है, माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए खाता, खाता अर्थात आकाश, उच्चतरम के मस्त, आकाश से भी ऊंचा क्या है? इसका अर्थ हुआ आकाश से भी अधिक ऊंचा क्या है? उत्तर में आइए खाता आकाशात उच्चतरम पिता अस्ति, यानी आकाश से भी ऊंचा पिता है, आकाश से भी अधिक ऊंचा पिता है। धनानाम उत्तमम धनम किमस्ति, धनों में सबसे उत्तम धन क्या है, धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? धनानाम उत्तमम धनम श्रुतम, श्रुतम माने होता है विद्या, विद्या अस्ति, धनों में सबसे उत्तम धन विद्या है, धनों में सबसे उत्तम धन विद्या है। वातात शीघ्रतरम किमस्ति, वायु से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है, वायु से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है? वातात शीघ्रतरम मनास्ति, वायु से भी अधिक शीघ्र चलने वाला मन है। ठीक है बच्चों, वायु से भी अधिक शीघ्र चलने वाला मन है। मनुष्य किम हित्वा सुखी भवति, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है? उत्तर में आइए मनुष्य लोभम हित्वा सुखी भवति, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी होता है, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी होता है। मनुष्यता किम मित्रम, मित्रम किमस्ति, मरने वाले का मित्र कौन होता है, मरने वाले का मित्र कौन होता है? उत्तर है मरिष्यता मित्रम दानमस्ति, मरने वाले का मित्र दान होता है, मरने वाले का मित्र दान होता है। एक बार फिर से जल्दी से देखिए प्रश्न है, भूमे गुरुतरम किमस्ति, भूमि से भी अधिक पानी क्या है? उत्तर है माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से भी अधिक भारी है या पृथ्वी से भी अधिक भारी है? खाता उच्चतरम किमस्ति, यानी आकाश से भी ऊंचा क्या है? तो खाता आकाशात उच्चतरम पिता अस्ति, आकाश से भी ऊंचा पिता है। धनानाम उत्तमम धनम किमस्ति, धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? धनानाम उत्तमम धनम श्रुतम अस्ति, धनों में सबसे उत्तम धन विद्या है। वातात शीघ्रतरम किमस्ति, वायु से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है? वातात शीघ्रतरम मनास्ति, वायु से भी अधिक तेज चलने वाला मन है। मनुष्य किम हित्वा सुखी भवति, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है? मनुष्य लोभम हित्वा सुखी भवति, मनुष्य लोभ को छोड़कर के सुखी होता है। मनुष्यता मित्रम किमस्ति,
मरने वाले का मित्र कौन होता है? मरिस्ता मित्रं दानमस्ति, मरने वाले का मित्र दान होता है। इसे देखिए बच्चों, भूमे गुरुतरं किमस्ति, भूम यानी पृथ्वी से भी अधिक भारी क्या है? माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है। खाता उच्चतरं किमस्ति, पिता से अधिक आकाश से भी ऊंचा क्या है? खाता आकाशात उच्चतरं पिताऽस्ति, आकाश से भी ऊंचा पिता है। और धनानाम उत्तमं धनं किमस्ति, धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? धनानाम धनों में सबसे उत्तम धन श्रुतम अर्थात विद्या है। वातात शीघ्रतरं किमस्ति, वायु से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है? वातात शीघ्रतरं मनाऽस्ति, वायु से भी अधिक शीघ्र चलने वाला मन है। मनुष्य किम हित्वा सुखी भवति, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है? मनुष्य लोभम हित्वा सुखी भवति, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी होता है। मरिष्यता मित्रं किमस्ति, मरने वाले का मित्र कौन होता है? तो मरिष्यता मित्रं दानमस्ति, मरने वाले का मित्र दान होता है। दो तीन क्वेश्चन बच्चों और बचे हैं, अभी लिखाते हैं आपको। आगे देखिए प्रश्न है, सर्वेषु उत्तमं धनं किमस्ति? इसका अर्थ है सभी धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? उत्तर में आइए, श्रुतम विद्या, श्रुतम माने विद्या, सर्वेषु उत्तमं धनं अस्ति, विद्या सभी धनों में सबसे उत्तम धन है। अगला प्रश्न है, आतुरस्य मित्रं का भवति, रोगी का मित्र कौन होता है? रोगी का मित्र कौन होता है? उत्तर है, आतुरस्य मित्रं भिषका भवति, भिषक माने होता है वैद्य या डॉक्टर, तो रोगी का मित्र वैद्य होता है। फिर अगला प्रश्न है, किं हित्वा सुखी भवति, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है? उत्तर है, लोभं हित्वा सुखी भवति। फिर आइए ऊपर से, सर्वेषु उत्तमं धनं किमस्ति, सर्वेषु उत्तमं धनं किमस्ति यानी सभी धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? सभी धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? श्रुतम सर्वेषु उत्तमं धनं अस्ति, विद्या सभी धनों में सबसे उत्तम धन है। विद्या सभी धनों में सबसे उत्तम धन है। आतुरस्य मित्रं का भवति, रोगी का मित्र कौन होता है? आतुरस्य मित्रं का भवति, रोगी का मित्र कौन होता है? इसका उत्तर है, आतुरस्य मित्रं भिषका भवति, यानी रोगी का मित्र वैद्य होता है। रोगी का मित्र वैद्य होता है। किं हित्वा सुखी भवति, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है? मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है? लोभं हित्वा सुखी भवति, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी होता है। उनसे एक बार बच्चे देख ले, प्रश्न है, सर्वेषु उत्तमं धनं किमस्ति, सभी धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? उत्तर है, श्रुतं सर्वेषु उत्तमं धनं अस्ति, विद्या सभी धनों में सबसे उत्तम धन है। आतुरस्य मित्रं का भवति, यानी रोगी का मित्र कौन होता है? आतुरस्य मित्रं भिषका भवति, रोगी का मित्र डॉक्टर वैद्य होता है। किं हित्वा सुखी भवति, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है? लोभं हित्वा सुखी भवति, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ठीक है बच्चों, इसको क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे। हेलो एवरीवन,
Welcome in the online classes of Shivaji Group of Institutions. So this is the class of biology for the student of class 10. And as you all know that we are discussing lesson heredity and evolution. And today is the last lecture of this chapter. And today's topic is evolution by stages. And also we will discuss about human evolution. So first discuss about evolution by stages. As you all know that evolution is a gradual and slow process. And the accumulation of intermediate changes is very important. And next important thing is that a change that is useful for one function may become useful for some different function later on. And accumulation of changes and natural selection of such changes for better adaptation of organism is important in evolutionary process. And we'll discuss it with the example of white cabbage, which changes its form in so many other types with the help of evolution. So students, evolution के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि धीरे-धीरे करके जो changes होते हैं, that is evolution. आज हम इसी की stages के बारे में discuss कर रहे हैं. So first thing is gradual and slow process. मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताई हुई है कि evolution ऐसा नहीं कि आज कुछ था कल वो change हो गया कुछ और उससे बन गया. Evolution होने में बहुत long period of time लगता है, millions of years लगते हैं, thousands of years लगते हैं. तो ये बहुत gradual and slow process होता है, ये नहीं कि तुरंत से change हो गया, इसको होने में बहुत टाइम लगता है, slowly ये process होता है. For example, अगर हम बात करें eye की, कि eye का development हुआ किसी organism में, तो वो just a single DNA change से नहीं possible हो जाएगा कि एक DNA ने change किया और eye का development हो गया. Eye के development के लिए कितने सारे DNA को change होना पड़ा होगा, कितने सारे genetic variations आए होंगे वहाँ पे, कितने सारे changes आया होगा, उसके बाद जाके ये आई का जो ओरिजिन है वो दैट इज नॉट पॉसिबल बाय सिंगल डीएनए चेंज. सिर्फ हम कहें कि एक डीएनए चेंज हो के किसी भी बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन हो सकता है, या एक डीएनए चेंज हो जाएगा तो इसका टाइप इससे ये चेंज हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. बहुत सारे जब ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं, प्रोसेसेस होते रहते हैं, तो उनका रिजल्ट होता है कि इवोल्यूशन जो है वो हो पाता है. नेक्स्ट थिंग जब बात करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं होता, जो इंटरमीडिएटरी चेंजेस होते हैं, जो बीच वाले चेंजेस होते हैं, जो इवोल्यूशन तक हमें पहुंचाते हैं, ये चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. डायरेक्टली अगर आप स्टेयर्स पर चढ़ रहे हो तो एक स्टेयर से सीधे ऊपर रूफ पे पहुंच नहीं जाओगे, आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक जाना पड़ेगा. यहाँ पे जो इंटरमीडिएटरी स्टेयर्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली दिस थिंग हैपेंस इन इवोल्यूशन, एकदम से चेंज इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता, चेंज पॉसिबल नहीं होता. जो ये बीच के इंटरमीडिएटरी चेंजेस होते हैं, बीच में जो चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे जो वेरिएशंस होते हैं, जब क्लास में सोमैटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, धीरे धीरे करके जब एक चेंजेस आते हैं तब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. नेक्स्ट थिंग, जो अ चेंज दैट इज यूजफुल फॉर वन फंक्शन मे बिकम यूजफुल लेटर फॉर सम डिफरेंट फंक्शन ऑल्सो. किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर कोई चेंज आ रहा है, आज वो चेंज आया है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के, बट लेटर ऑन क्या हो सकता है कि वही ऑर्गेन और दूसरे डिफरेंट फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकता है. दैट मींस कि वो आज जो चेंज हुआ था वो शायद किसी और वजह से हुआ था, उसके हैबिटेट में चेंजेस आने की वजह से उसके किसी बॉडी ऑर्गेन में डिफरेंस आया था जो उसको उस हैबिटेट में सुटेबल बना रहे थे, वो फंक्शन उस बॉडी ऑर्गेन से उसका हो रहा था. बट जब हम लेटर ऑन उस स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन जब हम उस पर देखेंगे, तो मे बी वो चीज जो उस टाइम पे किसी और फंक्शन के लिए था वो बाद में किसी और फंक्शन के लिए भी यूज हो सकता है. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑफ सच चेंजेस फॉर बेटर एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस. आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, दैट नेचर सेलेक्ट्स इटसेल्फ द वन हु इज फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल. जो सर्वाइव करने के लिए हैबिटेट में बेटर होता है, नेचर उसको सेलेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन. तो जो नेचुरल सिलेक्शन है या धीरे धीरे जो एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस होते हैं, ये सारे चेंजेस बहुत सही है. क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए. इन्हीं चेंजेस से जो ऑर्गेनिज्म है वो बेटर अपने एनवायरनमेंट को, अपने हैबिटेट को अडैप्ट कर पाता है, और उस हैबिटेट को अडैप्ट करने के लिए उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं जो कभी कभी नेचर से होते हैं, तो उनको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, या फिर वो कई चेंजेस का रिजल्ट होते हैं जिस वजह से उनकी बॉडी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए रेडी हो जाती है. और ये चेंजेस सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाइल्ड कैबेज की बात करें, पहले जो कैबेज था वो वाइल्ड था, बट वाइल्ड कैबेज से आप बहुत सारे ब्रीड्स को रेडी किया,
दिया गया. फॉर एग्जाम्पल कोहलरबी, रेड कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, केल, ब्रोकली, कैबेज, ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं. एंड एज यू नो दैट वी क्या हुआ बेटर होता चला गया. कॉलीफ्लावर की अगर हम बात करें तो उसमें फ्लावर्स होते हैं. कैबेज की बात करें तो ग्रीन लीव्स से उसका फॉर्मेशन होता है. अगर हम रेड कैबेज की बात करें तो उसमें रेड लीव्स से पूरा फॉर्मेशन होता है. ब्रोकली की बात करें उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो क्या स्टार्टिंग में तो बस वाइट कैबेज प्रेजेंट था, बट विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ चेंजेस, विद द हेल्प ऑफ एडेप्टेशन टू डिफरेंट चेंजेस, ये पॉसिबल हो पाया कि हमें वाइट कैबेज से इतनी ढेर सारी वेराइटी मिल पाए, विच इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एंड फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड. एंड नाउ टुडेस नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एवोल्यूशन. एज यू ऑल नो कि ह्यूमंस भी जितने एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, पूरे सर्फ में प्रेजेंट है, सारे सिमिलर नहीं है. सबके डिफरेंट रेसेस हैं, दैट मीन डिफरेंट कलर है, डिफरेंट स्किन कलर, डिफरेंट हेयर कलर, डिफरेंट आई कलर, हमारे में भी डिफरेंसेस हैं. तो ये डिफरेंसेस क्यों आए ह्यूमन की बॉडी में? सो इसको ट्रेस किया गया जो फॉसिल्स है तो ये पता चला कि जो अर्ली ह्यूमंस ऑरिजिनेट हुए थे वो हुए थे अफ्रीका में. अफ्रीका में ह्यूमंस का ओरिजिनेशन हुआ था, वहाँ पर सबसे पहले ह्यूमंस पाए गए थे. एंड एज यू ऑल नो जब एक ही जगह पे कोई स्पेशीज बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे एज यू नो सर्वाइवल के लिए जगह कम हो जाती है, फूड कम हो जाता है, तो लोग वहाँ से दूसरी जगह के लिए शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट करते हैं, इधर उधर जाते हैं. जब वो इधर उधर जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर फैल जाते हैं, खुद को उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेते. तो स्टार्टिंग तो हुई थी अफ्रीका से कि अफ्रीका में ह्यूमंस पाए गए थे सबसे पहले, बट इसके बाद ये ह्यूमंस थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए. और एक जैसे जगह पे चले गए उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग, उसी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट कर लिया, चेंज कर लिया. और इनकी बॉडी में इसकी वजह से क्या है कि डिफरेंट हमारे कलर्स होते हैं, डिफरेंट हेयर कलर होता है या डिफरेंट आई कलर होता है. ऑल दिस थिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर हैबिटेट. जो जिस सराउंडिंग में रहता है, जो जिस जगह पे रहता है, उसी के अकॉर्डिंगली उसका बॉडी चेंज हो जाता है. नेक्स्ट एक है तो सारे ह्यूमंस, तो दैट इज व्हाई सबको कॉमन एक ही नेम से जाना जाता है, दैट इज होमो सेपियंस. वी आर ऑल ऑफ सेम स्पेशीज, भले हमारे एक्सटर्नल फीचर्स चेंज है, हमारा कलर चेंज है, हमारी हाइट में, हमारे वेट में चेंजेस हो सकते हैं, बट वी ऑल बिलोंग टू द सेम स्पेशी एंड दैट स्पेशी इज होमो सेपियंस. सो दिस इज अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, दैट फॉसिल्स से पता चला अफ्रीका में मिले थे स्टार्टिंग में, बट देन वो थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इधर उधर उन्होंने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग चले गए और जो जहाँ गए उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसने खुद को अडेप्ट कर लिया. बट स्टिल वी ऑल आर सेम कॉमन स्पेशी विच इज होमो सेपियंस. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. And now, as you all know that I have completed 3 chapters, which is 2 chapters of the last and one this heredity and evolution. And from now on, you will get your summer break. So complete your work and keep your work ready to for correction and all. And very soon, we will conduct unit tests and provide you holiday homework. Thank you. Hi.
nitrogen sulfate. So what happens when ethylene get react with sulfuric acid? It forms ethylene hydrogen sulfate. Now start the second chemical properties. Students, in second chemical properties, what happens when ethyl bromide react with potassium hydroxide? So students, in second chemical properties, what happened when ethyl bromide react with potassium hydroxide? So ethyl bromide is C2H5. That is the ethyl group, C2H5. Bromide, it means Br. React with potassium, it means K. Hydroxide, it means OH. What happened in both of react together? Break into C2H5, Br. K, OH. Positive comes to negative, negative comes to positive. It forms C2H5OH plus K. Br, students, that is ethyl hydroxide, that is ethanol. That is ethanol. Potassium bromide. So what happened with ethyl bromide react with potassium hydroxide in both alkene? It forms two products which are ethanol and second one is potassium bromide. Now start the next reaction, students. This next reaction, what happened when methane react with nitric acid? Students, when methane react with nitric acid, CH3H, OH, NO2. Students, in this reaction, it makes CH3NO2 plus H2O. So what happened? What happened when methane reacts with nitric acid, students? It forms a product which is nitromethane. And as well as water. So what happened when methane reacts with nitric acid, students? When methane reacts with nitric acid, it forms nitromethane and release water. That is the fourth one what happened. And last what happened is, what happened when ethylene gets reacted hypochlorous acid? So students, what is the formula? CH2 double bond CH2 that is known as C2H4. Hypochlorous acid, that is OHCl. That is hypochlorous acid. What happened? So that is also a type of addition reaction. Hypochlorous acid. And that is the formula of ethylene. So double bond is break CH2. It break into OH as well as CH. So what is the formula of this product? So that is ethylene chlorohydrate. That is because it is a formula of ethylene chlorohydrate. So what happened when ethylene get react with hypochlorous acid? It form ethylene chlorohydrate. Student, that is the last video of class 10th revision. And in third June, summer vacation will be started and your unit is also
consume. Then the what is the course? So course is only four chapter, which is carbon and its compound. So let's revise the all type of video which are present in YouTube. So let's watch the YouTube videos and also revise the PDF file. Thank you. Have a nice day. This is the last video lecture where we revise all the topics which we understand with the help of PDFs, with the help of video and audio classes. Firstly, you understand the introduction to C programming, where we understand what is C programming. What is C programming? Then we understand features of C programming, history of C programming, uses of C programming. Then we understand what are characters, what are digits, what are special symbols, what are special symbols. Then we understand identifiers, variables, and different concept related with C programming. This is the introductory class of C programming. There we understand the branching statements and looping statement. Then we understand branching statement and looping statement. In branching statement, we understand if statement, if else statement, nested if statement, and also we understand switch statement and jump statement, jump and go to statement, go to statement. After that, we understand while loop, entry control loop, do while loop, and for loop. After that, we understanding all the concept of C, then we understand the next thing, that is array. What is the definition of array? Declaration. Initialization. Types of array, and array related programs. Array related programs. We understand sorting, searching. Sorting, searching, and merging. All the concept. After that, we understanding the array. Then we understand the function, definition, declaration,
how a function works, then after that we understand different behavior, that is call by value, call by difference, and recursion. Then we understand the string declaration, initialization, and we understand the string programs and string concept. Thus we understand all the things related to string, function, array, introduction to C, and branching and looping concept. And you have written all the topics in your copy with the help of PDF, and submit your copy in the school. So complete your work. Thank you, class. Good morning, student. Today we will continue our topic sentence. As in my previous video, I told you putting the part of sentence, the part of subject in order. How we are going to put the parts of subject in order? As far as sentence is divided in two parts, subject and predicate. Okay. First of all, as we are going to discuss about subject, already I have told you that in subject part there may be maximum four part. Head word is main word. Head word, main word, with the doer that will be. If it is in single word, it will be noun. Head word जो है वो आपका three form में आ सकता है. सिंगल वर्ड ही प्लेस वो खेलता है. अब आपका हेडवर्ड जो है वो केवल सिंगल वर्ड है ही वो खेलता है. सो हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से जो आगे का पार्ट है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट, जिसकी अभी हमें कोई डिस्कशन नहीं करना. अभी हम केवल सब्जेक्ट के मैक्सिमम कितने पार्ट हो सकते हैं, उनको किस सीरीज में रखना है ये ध्यान देना, किस सिक्वेंस में रखना है ये ध्यान देना. ठीक है, तो बेसिक चीज इज हेडवर्ड. द बॉयज प्ले, बच्चे खेलते हैं. The boys, they are head word. ठीक है, head word single होता है, mostly noun में ही आता है, pronoun में हो सकता है. और इसके साथ अगर अब head word आपके दो word में आ सकता है, तो अगर head word के पहले एक word है, तो head word और उसके पहले का एक word है, वो जो former word होगा, that will be qualified. ठीक है, girl is playing in the garden. तो girl head word है, उसके पहले जो ए है दैट वन इज क्वालिफायर. क्वालिफायर आपका आर्टिकल्स के रूप में और डिटरमाइनर्स के रूप में आता है. दैट मैंने कल आपको बताया था, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइनर एंड क्वालिफायर. क्वालिफायर मतलब विशेषता बताना. ठीक है, केवल वो विशेषता बताता है, और डिटरमाइनर जो है विशेषता है, लेकिन उसको वो लिमिटिंग सीमित कर देता है, उसको फाइनाइट कर देता है. ठीक है, लिमिटिंग, तो ये डिफरेंस है. बट हेड वर्ड के पहले अगर आपका सिंगल वर्ड है तो वो क्वालिफायर कहलाता है, जो आर्टिकल्स के रूप में भी हो सकता है और आपके पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है. ठीक है, और द, दिस, दीज, दोज, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है. अब हेड वर्ड अगर आपके थ्री वर्ड्स में आता है, हेड वर्ड के पहले टू वर्ड्स और आते हैं, तो देयर विल बी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड देन हेड वर्ड. एडजेक्टिव आप जानते हैं, जानते भी हैं, तो आपके हेडवर्ड से पहले का जो वर्ड है दैट वन इज एडजेक्टिव, और उसके पहले का जो है वो आपका डिटरमाइनर है. ठीक, समटाइम्स एडजेक्टिव कम्स इन फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स एडजेक्टिव इन ग्रुप, वर्ड ऑफ ग्रुप, जो एक सिंगल वर्ड में एडजेक्टिव न बता करके एक ग्रुप में उसका एडजेक्टिव बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. और ये हेडवर्ड के जस्ट बाद ओवरऑल देयर मे बी मैक्सिमम फोर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. क्वालिफायर और डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडवर्ब और मेन वर्ब एंड एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है, एंड आई हैव गिवन यू एक्सरसाइज 2-7 पार्ट ऑन पेज 22. तो लेट अस सी.
I am going to explain answer sheet of this exercise, and you have to tally whatever you have done in your classwork or homework copy. Just see, first sentence is a child burnt. You have to put subject parts in order. क्या काम करना है आपको? जो सब्जेक्ट के पार्ट हैं वो डिसऑर्डर में दिए गए हैं, उसको आपको रीऑर्डर करना है, उनको पुनः आपको ऑर्डर सीक्वेंस में लगाना है. ठीक है, सो सेंटेंस नंबर वन इज सीक्वेंस आपका डिसऑर्डर में कैसे है? अ चाइल्ड बर्न, आप लिखेंगे अ बर्न चाइल्ड. अ इज डिटरमाइनर एंड बर्न इज एडजेक्टिव एंड चाइल्ड इज हैंडबर्न. ठीक है, नाउ इज अपरेड ऑफ आर, ये इसका प्रेडिकेट पार्ट है जो ऑलरेडी आपकी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है. नेक्स्ट वन इज डिसऑर्डर है गुड ऑल चिल्ड्रेन, एंड नाउ यू हैव टू पुट द सीक्वेंस, यू हैव टू पुट द ऑर्डर. तो क्या हो जाएगा? ऑल गुड चिल्ड्रेन, ऑल इज डिटरमाइनर, गुड इज एडजेक्टिव एंड चिल्ड्रेन इज हैंडवर्ब. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज डिसऑर्डर वर्ड इज ए कार ड्राइव टू. ठीक है, ऑर्डर में क्या होगा? टू ड्राइव अ कार. टू ड्राइव अ कार रिक्वायर्स केयर एंड स्किल. तो टू ड्राइव अ कार, टू ड्राइव ए, आपको देखने में वर्ब लग रहा है बट ये इन्फिनिटिव है, और ये वो इम्पेरेटिव है जो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पर है और सब्जेक्ट की तरह प्लेस प्ले कर रहा है, वर्क कर रहा है. टू ड्राइव अ कार, गाड़ी चलाना, कार को चलाना. ठीक है, ये यहाँ पे चलाना वर्ड जो है वो एक्शन में नहीं, ये एक क्वालिटी बताई जा रही है, गाड़ी को चलाना. ठीक, ये पूरा एक रूप है और इसको हम इम्पेरेटिव कहते हैं जो सब्जेक्ट के प्लेस पर है. इसका सीरियल हो जाएगा टू ड्राइव अ कार. फिर आपका प्रेडिकेट पार्ट आ जाएगा रिक्वायर्स केयर एंड स्किल. नेक्स्ट वन इज डिसऑर्डर वर्ड है द बॉय यंग ग्रू इन द. ठीक, सबसे पहले हमें आर्टिकल की जरूरत है, यानी डिटरमाइनर, तो द, फिर उसके बाद उसका एडजेक्टिव है यंग, द यंग बॉय. फिर अब तीन पार्ट आपके होंगे, द यंग बॉय, फिर उसका फ्रेज यूज किया गया है, कौन सा बॉय, कौन सा लड़का, इन द इन कॉर्नर, इन कॉर्नर कोने वाला लड़का, इन द कॉर्नर. ठीक है, तो आपने पहले उसमें डिसऑर्डर में से सेलेक्ट किया आर्टिकल को, फिर उसके मतलब सबसे पहले तो हेड वर्ड जैसे देखना चाहिए, क्योंकि हेड वर्ड से आपकी पकड़ बनती है कि आप जो उसके सीरियल को कैसे लगाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट हेड वर्ड, फिर चूज करो उसका एडजेक्टिव क्या, फिर उसका डिटरमाइनर या क्वालिफायर क्या, और जो बचेगा वो आपका जो है एडजेक्टिव फ्रेज. तो ये आंसर हो गया अ यंग बॉय इन द रूम, अ यंग बॉय इन द रूम. नेक्स्ट वन इज द यंग बॉय इन द रूम इज केयरलेस. ये प्रेडिकेट पार्ट इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट ऑलरेडी गिवन इन योर एक्सरसाइज बुक. नेक्स्ट वन गेट टू मार्क्स गुड. ठीक है, गेट टू मार्क्स गुड, ये डिसऑर्डर है. हमें ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको आर्टिकल चाहिए, तो आर्टिकल इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा जो हेड वर्ड है वो सीधे मिलेगा टू गेट. ठीक, ये वही इन्फिनिटिव वर्किंग एज एन सब्जेक्ट, वर्किंग एज ए सब्जेक्ट, हियर इन्फिनिटिव इज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट. टू गेट, पाना, क्या पाना, गुड मार्क्स. टू गेट गुड मार्क्स इज माई एम, दैट वन इज प्रेडिकेट फॉर. नाउ नेक्स्ट वन इज द गर्ल इन कॉर्नर द, काफी सीरियस में दिया हुआ है. द गर्ल इन कॉर्नर द, आप जानते हैं इसका हेड वर्ड गर्ल है. ठीक है, तो उसके पहले आपका डिटरमाइनर हो गया क्वालिफायर के रूप में द गर्ल. फिर द गर्ल में इसमें गर्ल के लिए कोई एडजेक्टिव नहीं दिया है, बल्कि उस एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव फ्रेज दिया हुआ है इन द कॉर्नर. द गर्ल इन द कॉर्नर, एडजेक्टिव पार्ट ऑलरेडी यूजिंग, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू गेट पुट हियर. If in your exercise, adjective part or determiner, whatever is missing, that one is not going to put in your sentence. Okay? So, adjective nahi, miss kar diji. The girl in the corner is nervous. Next one, something regularly seeming. Something regularly seeming. क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज करना है,
something saving regularity. Something saving, saving a product, something regularity. Yeah, adjective. Something saving regularity is tired of or is necessary. Is it necessary? Next one. He, you as well as. He, you as well as. Student, for this I want to tell something more. Whenever all the persons, whenever or first person, second person and third person, you know, in pronoun there are three persons, first person, second person and third person. I, we comes in first person, you and yourself come second person, and he, she, it and all the other rest come in third person. Okay. And in the sentence, when all the person comes together, the serial will be 2, 3, 1. Means you have to put second person, first of all, then third person and in the last, first person. अगर एक साथ सारे पर्सन आ जाएं तो हमें अपने सेंटेंस में सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन को प्लेस देनी चाहिए. ठीक. अब इसके अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सरसाइज है, यू एज वेल एज ही, तो सेकंड पर्सन को पहले होना चाहिए. आंसर हो जाएगा यू, फिर एज वेल एज से जुड़ा है, इसमें एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, एक कंबाइंड सब्जेक्टिव है. तो यू एज वेल एज ही is tired of all this. तो predicate part हो गया, है ना, केवल इसका head word है you as well as me. इसमें तो phrase है, adjective है. Next one, friend is either he or. देखते हैं जितने भी option वाले conjunctions होते हैं उनमें हम पहले, जैसे आप जानते हैं ये pair भी होते हैं, either or, neither nor, not only but also. तो एक पेयर के साथ एक सब्जेक्ट और उसके दूसरे के साथ दूसरे सब्जेक्ट को रखना होता है. तो यहाँ पर भी जो आपका इधर और है, ये सारे आपके डिटरमाइनर हैं. उसमें सबसे पहले आपका हेडवर्ड है हिज, ही सबसे पहले आपका हेडवर्ड है. तो इधर ही, इधर ही, एडजेक्टिव ही, इधर ही और हिज सिस्टर फ्रेंड, इधर ही और हिज फ्रेंड must have opened the door. Must have opened the door. Next one, the man old, you know, the man, man is adverb, the is determiner and old is adjective. So the old man could not sleep well. Next one, Chinese, the army. ठीक है, तो वही army adverb है और Chinese adjective है, उसके पहले आर्टिकल द है. तो द चाइनीज आर्मी, उसके बाद आपका प्रेडिकेट पार्ट है लेफ्ट द फील्ड. नेक्स्ट है वर्ड अ टू वाइज द, इसका आपका एडवर्ड है अ वर्ड, अ आर्टिकल हो गया, अ वर्ड टू टू द वाइज, अ वर्ड टू अ वर्ड, अ वर्ड टू द वाइज एडजेक्टिव. उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट आपका स्टार्ट होता है इज सफिशिएंट. नेक्स्ट वन ऑफ पोयम नन द, पोयम एडवर्ब है, तो नन ऑफ द पोयम, नन नन ऑफ द पोयम एडजेक्टिव नहीं है, नन ऑफ द पोयम इज वेल नोन. एंड लास्ट वन इज ईदर ऑफ रोड्स बीज, आप जानते हैं रोड हेडवर्ड है, तो इधर इधर आपका चॉइस वाला वर्ड है पहले आएगा. तो इधर ऑफ दीज रोड्स, व्हाट विल बी हैपन, इधर ऑफ द दीज रोड, इन सड़कों में से कोई सड़क लीड टू द स्टेशन, सड़क को रोड जाता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडवर्ड को चूज कीजिए, उसके एडजेक्टिव को देखिए, अगर वो मिसिंग है तो कोई नहीं, अगर है तो रखना है. डिटरमाइनर आर्टिकल, हाँ, हेडवर्ड के साथ अगर आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, जैसे एज वेल एज से, ठीक है, विद है, टुगेदर है, अगर आपके दो सब्जेक्ट ऐड है तो आपको उस हेडवर्ड में उस कंजक्शन के साथ ही दोनों हेडवर्ड एक ही साथ में रखना होगा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट विल बी एडजेक्टिव. ओके स्टूडेंट, दैट इज इनफ फॉर टुडे. आई थिंक दैट यू आर वेरी वेल अपॉइंटेड टू पुटिंग द सब्जेक्ट पार्ट इन ऑर्डर. And in the next video, I will continue this chapter and we will be about the predicate. Till then, have a nice day. Good morning, students.
Today we will continue our latter part of the sentence, that is predicate. In my previous audio, I have already discussed about the sentence and parts of sentence, that each sentence may be divided in two parts, subject and predicate. And parts of subject have been discussed as your head word has single word with its determiner or qualifier, with its determiner, qualifier and adjective, and finally with its determiner or qualifier, head word and with adjective phrase. Okay, abhi is video lecture mein we will discuss about predicate part. Okay, what is predicate? What is predicate? Predicate kya hota hai? Predicate in Hindi we call it vidhey. ठीक है, what is said to be the subject, subject के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, that is called predicate. अब इस predicate part को हम कितने serial में कितने sequence में divide कर सकते हैं वो हमको clear करना है. ठीक है student, आपको clear हुआ ना कि predicate क्या है? और in common language हम आपको बता दें कि subject के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि हेडवर्ड है, हेडवर्ड के पहले एडजेक्टिव और उसके डिटरमाइनर एडजेक्टिव के, जहाँ से हमारा वर्ब स्टार्ट होता है, वर्ब से लेकर के उसका जो लेटर पार्ट है, दैट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट. वर्ब से लेकर के बाकी लास्ट पार्ट तक का जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट में आता है. ठीक है, तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं. प्रेडिकेट क्या है, ये क्लियर है. प्रेडिकेट पार्ट्स में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, वर्ब और In verb, there is two parts, helping verb or you can say auxiliary verb and main. ठीक है, आप जानते हैं helping verb sentence में यानी पहले स्थान लेता है. अगर आप helping verb है तो वो main verb से पहले आएगा, उसके बाद आपका main verb है, जिस भी form में आपको according to tense रखना. तो verb predicate कहाँ से start होता है? Rather with helping verb or auxiliary verb and main verb. कभी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हमारा सेंटेंस डायरेक्टली प्रेडिकेट पार्ट डायरेक्टली जो है वो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है. ठीक है, ही रीड्स अ बुक, तो इसमें रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक प्रेडिकेट पार्ट है. इसमें आपका रीड मेन वर्ब है जहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है. और ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही तो आपका हेडवर्ब सब्जेक्ट हो गया, इससे आपका प्रेडिकेट स्टार्ट होता है. इज आपका हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग अ लेटर आपका जो है वो राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है. ठीक है, तो प्रेडिकेट में दो चीज़ें हो गई, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो वर्ब या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होगा. तो पहले हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब रखेंगे. नाउ ऑब्जेक्ट, यू नो ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट. विच वन? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, आपको कॉमन सरल लैंग्वेज के हिसाब से बता दूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग बींग होते हैं, सजीव, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग होते हैं, जिसको हम निर्जीव कहते हैं. ठीक है, जैसे आई गेव यू अ बुक, तो आई गेव, गेव से आपका प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हुआ, यू आपका ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो यू सजीव है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बुक आपका निर्जीव है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. स्टूडेंट, सीक्वेंस में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं वर्ब के बाद, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं, बट इन सम सिचुएशन इट मे बी ट्रांसफर, इट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी पुट आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट के बाद रखना हो, यानी इस चीज को हम पहले रखेंगे, तो इसके पहले यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले यू नीड अ प्रीपोजिशन, आपको एक प्रीपोजिशन की जरूरत होती है. ये सेंटेंस जो मैंने बोला, यू आई गेव यू अ बुक, तो आई गेव यू अ बुक, यू पहले था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले था यू. अब हम इसको बैक में ले जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, आई गेव अ बुक, अब आप पीछे ले जाएंगे यू, तो आपको टू प्रीपोजिशन की नीड होगी. I gave a book to you. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट. ये आपका लिविंग बींग है और दैट वन इज नॉन लिविंग बींग, नॉन लिविंग बींग. ठीक है,
सीक्वेंस में डायरेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में। अगर हम इसको पलटते हैं यानी वी पुट डायरेक्ट फर्स्ट एंड इनडायरेक्ट आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी नीड सम हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के हेल्प की मीनिंग होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी चार चीज़ें हो गई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में आप लेट मी क्लियर वन थिंग मोर, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में भी हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, एंड इट मे बी पुट इन द फॉर्म ऑफ जीरंड एंड इट मे बी पुट इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव में भी लिखा रहता है। जैसे जैसे अभी मैंने ये एग्जाम्पल लिया था आई गेव यू, तो यू आपका प्रोनाउन के फॉर्म में था, आई आई कॉल्ड रमेश, तो रमेश आपका ऑब्जेक्ट है और नाउन फॉर्म में है। जीरन, आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है, तो लाइक आपका मेन वर्ब है, यहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो जाता है और स्विमिंग जो है वो जीरन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाकर जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ठीक है, तो वो जीरन होता है। तो आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक स्विमिंग, तो ये पार्ट आपका जो है वो जीरन की तरह। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नाउन प्रोनाउन में भी हो सकता है, जीरन में भी हो सकता है और इन्फिनिटिव हो सकता है। ठीक है, जैसे आई लाइक टू गिव अ न्यू बुक टू यू, ठीक है, मैं एक नई बुक आपको देना पसंद करती हूँ, तो यहाँ पे जो इन्फिनिटिव है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इट इज योर ड्यूटी टू फॉरगिव यू, तो टू फॉरगिव ये आपका इन्फिनिटिव है और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो ऑब्जेक्ट दो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कितने फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन ही ज़्यादातर वर्क करता है, उसके अलावा अगर हमें कुछ मिलता है तो वो जीरंड और इन्फिनिटिव होता है। ये आई एन जी फॉर्म में आता है, ये टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और ये वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी में आता है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब, आफ्टर दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन डायरेक्ट। ये जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें सारे सेंटेंस में हों, अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको आप मिस कर दीजिए, बस सीरियल आप सीक्वेंस यही होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग कॉम्प्लीमेंट, इन हिंदी वी कॉल इट पूरक, जो पूरा करे, जो सप्लाई करे पूरा हो, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, जब आपका ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट करता है दैट वर्ड इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ये कहाँ यूज होता है, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट का पूरा करने का काम आपका कॉम्प्लीमेंट करता है। ये कॉम्प्लीमेंट भी आपके इतने फॉर्म में आ सकता है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट भी नाउन फॉर्म में हो सकता है, ये भी प्रोनाउन इनके, और ये एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, तो इज आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया और ब्यूटीफुल जो है वो ऑब्जेक्ट के जगह पर मतलब एडजेक्टिव है जो ऑब्जेक्ट नहीं है और कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट वो होता है ना जिसका हु और वर्ड का रिप्लाई दे सके, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस में आपका जो फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो आपके सेंटेंस को पूरा करेगा, है ना। जैसे यू आर इन द क्लासरूम, तो यू आर, यू तो आपका सब्जेक्ट हो गया, आर से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, तो यू आर, अब इन द क्लासरूम ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ना ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है और ना ये हु का रिप्लाई दे रहा है, तो इसलिए ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करने का वर्क कॉम्प्लीमेंट करेगा और वैसे ही करेगा जैसे ऑब्जेक्ट करता है, मतलब नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के, ठीक है। जैसे आई अपॉइंटेड हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो आई अपॉइंटेड, अपॉइंटेड आपका मेन वर्ब है, यहाँ से प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आई अपॉइंटेड हिम, और उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने का काम किया किसने, मॉनिटर वर्ब ने।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या था हिम, उसको कंप्लीट सेंस किसने किया, मॉनिटर बर्ड ने, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ऑल दीज थिंग्स विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, आई एम गोइंग एक्सप्लेन बिफोर यू। एक्सरसाइज 2.15 ऑन पेज 29 विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स एंड देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज 2.16 इन योर होमवर्क कॉपी। ओके, सेंटेंस आपका सब्जेक्ट पार्ट दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द सेंटेंस, यू हैव टू पुट इन सीक्वेंस द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पार्ट्स आपको सीक्वेंस में रखना है, सब्जेक्ट इज ऑलरेडी गिवन इन सीक्वेंस। ही, अब आपका प्रेडिकेट पार्ट है ए टाइगर किल्ड एन एक्स बेबी। ठीक, ये डिसऑर्डर में है, व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ही किल्ड अ टाइगर विद एन एक्स, ही किल्ड अ टाइगर फिर विद एन एक्स। नेक्स्ट वन द बॉयज और डिसऑर्डर वाला है हार्ड वर्किंग वेरी आर इन द क्लास, द बॉयज आर हार्ड वर्क, द बॉयज आर हार्ड वर्किंग इन द क्लास, द बॉयज आर वेरी हार्ड वर्किंग इन द क्लास। नेक्स्ट वन सेंटेंस नंबर 3 डिसऑर्डर है ही ब्रदर इज नीदर द, तो आप जानते हैं जितने भी एयर वाले वर्ड होते हैं नीदर नॉर इधर और नॉट ऑनली बट ऑल्सो, तो इनके संग एक एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट या प्रोनाउन जो नाउन प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट है उसको सेट करना है। नीदर ही नॉट इज, सॉरी दिस वन इज सब्जेक्ट पार्ट, yeah okay this one is related with the predicate part, exercise 2.19 sentence number 1 Abraham Lincoln, wo bhi aapke exercise jo maine se 5 sentences bataye hain wo bhi aapke miscellaneous hain, kisi mein subject part ko complete karna tha kisi ko predicate, this one is purely predicate part aapko usme write order mein rakhne hain। Abraham Lincoln, ab aapka jo sentence hai the 16th was president of America, अब्राहम लिंकन वॉज 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट अभी और है द यूनाइटेड स्टेट, अब्राहम लिंकन वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट वन उत्तर प्रदेश, आपका डिसऑर्डर वर्ड है प्राइम गिवन मीनिंग हैज द कंट्री मिनिस्टर टू, उत्तर प्रदेश हैज गिवन मीनिंग Prime Minister to the country. Next one, poet's word subject है, उसका disorder part है of beauty are admirers. Sentence कैसे होगा, poets are admirers of beauty, poets are admirer of beauty. Patriots, अब आपका disorder form है die dear for motherland live and, तो patriots लिव एंड डाई, जो देशभक्त होते हैं मरते हैं जीते हैं, लिव एंड डाई फॉर दियर मदरलैंड, फॉर दियर मदरलैंड। एंड लास्ट वन इज फाइव सेंटेंस नंबर 5 अ बैड सेंटेंस जो डिसऑर्डर में है क्वेरल्स मैन इज टूल्स विद, इसका ऑर्डर क्या होगा, अ बैड मैन क्वेरल्स, पहले बार बाय ना, तो बैड मैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। ओके सेंटेंस, एंड जब भी आप अपने सेंटेंस को सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पार्ट को ऑर्डर में रखते हैं तो दे गिव अ कंप्लीट सेंस, इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग कंप्लीट सेंस इट मींस देयर इज सम मिस्टेक दैट हैज बीन कमिटेड बाय यू, सो चेक योर सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट एंड डू इन योर एक्सरसाइज कॉपी। ओके स्टूडेंट, चैप्टर इज ओवर, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस इज ओवर, यू हैव टू राइट दिस चार्ट इन योर फेयर कॉपी एंड डू एक्सरसाइज इन योर होमवर्क कॉपी। लेट मी गिव यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद योर सिलेबस एंड योर कमिंग टेस्ट, योर सिलेबस इन सेक्शन 8 मीन्स रीडर और सप्लीमेंट्री एंड पोएट्री ऑलरेडी कंप्लीटेड,
but some part of your this syllabus of section 8, including with section B, subject and predicate, are going to be given in your holidays homework. Prepare your holidays homework very well, because very soon it will be declared to you. The CT 1 means your second test 1 will be held very soon in June. Date sheet or schedule will be provided in your group, in your class group. And you have to prepare yourself very well. Revise all the chapters which are going to be taught to you, which have been taught to you. The grammar portion means the subject predicate reordering and translation piece and narration, whatever have been given in your audio and video by the teachers. So read all these things very clearly, very properly, and prepare yourself for your coming test. Okay student, when that happens. The chapter Magnetic Effect of Current, and telling you before the means of magnetic effect of current. Today topic is electric motor, electric motor. What is electric motor? Electric motor is a device. Electric motor is device which that is convert to electrical energy to mechanical energy. Now I will explain. This is a device. This is a device. When I flow the conductor in the device, then conductor moves in rotation form. Then we can say the electric energy convert to mechanical energy. The rotation form is a mechanical energy. Now I'm explaining electric motor, and electric motor is device. Electric motor is device that converts electrical energy to electrical, that converts electrical energy to mechanical energy. Electric energy to mechanical energy. Now what is electric motor? Electric motor is device that converts electrical energy to mechanical energy, known as electric motor. Now, principle of electric motor. What is principle of electric motor? I'm explain. The principle depend on Oster experiment. What is Oster experiment? This is a conductor. When a current flow in the conductor, then conductor produce a magnetic field concentrated around them. Now this current carrying conductor placed in the magnetic field. Now two magnet, north and south. Now this conductor placed in the magnetic field. This conductor, we can say current carrying conductor. Now according to Oster, this is a temporary magnet. Now north and south, a force act on the conductor. This process in the electric motor. Now look at this diagram, north and south. This is a armature A, B, C, D. Solenoid A non-conductor, then rotate form in the north and south. Now explain principle. A current carrying conductor placed in the magnetic field experience a force. How? Find the force direction in this diagram. We can find the direction of force by flaming left hand rule.
What is Fleming left hand hold the thumb, forefinger and middle finger perpendicular each other, then forefinger indicate so the magnetic field and middle finger so the current, then thumb so the force of magnetic force, or force of direction, reduction of force in the magnetic field. Now then, if this is a cell, then direction of current in cell positive to negative. Now this is a direction of current, then current flow in the armature A to B, B to C and C to D and D to negative terminal. This is a switch. Now then in this diagram, this is a armature A, B, C, D and split ring. This is a split ring S1 and S2. This is goes B1 and B2. Split ring connect to armature and goes connect to split ring S1, S2. B1 to S1 or B2 to S2. Now, note now. Then next main part, first armature and second magnet. Armature in A, B, C, D. A, B, C, D is a armature, magnet and S and or S are powerful magnets. Split ring in the figure S1 or S2. S1 or S2 are split ring in the diagram. Who says look at B1, B2, B2 is for B1, B2 are who says then B1 or B2 are who says in the diagram. Now what is main parts of electric motor? First is armature and second magnet split ring process. Armature in the diagram A, B, C, D. A, B, C, D. We can say armature A, B, C, D. Now second magnet. Magnet is a powerful magnet. It's a like a U. North and south, then N or S. Split ring. Split ring, we can say half rings. Look at S1 and S2. Split ring are connected to armature A, B, C, D by wire. Now, split ring S1 or S2. S1 or S2 are split ring in the diagram. Now, Bruce says, look at this is B1. This is Bruce's B1. This is Bruce's B1 and this is B2. B1, B2 are Bruce's in the diagram of electric motor. Now, Bruce's B1, B2 are connect to cell due to a switch and wire. Now working process. What is working process? When a current flow in the armature A, B, C, D by cell. Now the direction of current R, A, B flow A to B. Flow A to B. We know that the direction of current in the cell positive terminal to negative terminal, then the current direction is this is positive terminal to negative terminal. Now in the armature, the direction of current in the armature arm A B
flow the current A point to B. Now our CD flow the C to D current direction. Now then this is current in the to negative terminal in the cell. Now a current is acquired ABCD enter from cell through the connecting bushes, through the connecting bushes V1 and back to the connecting bushes V2. Then I explain that the current in the arm of the armature arm AB flow the current A to B and arm CD flow the current C to D. Then the direction of magnetic field we can north pole to south. We know north pole to south. This is direction of magnetic field north pole to south pole and current direction is A to B and C to D. Now find the direction of force by left hand Fleming law. This is left hand. Now use to left hand forefinger show the magnetic field, middle finger show the current direction and thumb show the direction of force. Now this is show the magnetic field, this is show the current direction. In this place current direction is 0 to above. Now like this is current direction, this is magnetic direction, this is current direction. Then force, so the direction of force. Now the direction of force arm AB up to down. Now in this side C to T. Now use to left hand rule, forefinger so the magnetic field and middle finger so the current direction and thumb so the direction of force. Now use to then forefinger along the magnetic field and middle finger along the current direction, then F along the force direction, then force direction up to arm CD. Now the direction of force find due to left hand Fleming rule. Now the force direction opposite to each other in the arm AD and CD. Now we can say an armature ABCD is rotation form in the magnetic field of an S. Now we can say an electric motor that converts electric energy to mechanical energy. This working process now what now? Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. This lecture is for class 10, chapter civics, chapter 4, gender, religion and caste. In my previous lecture, I had already explained you about the gender and the discrimination of gender. किस तरीके से जेंडर में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका रिजल्ट भी हमने जो है पिछले लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन किया था. उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे आई थिंक मैं दोबारा से इसको रिपीट करूं. जिसमें था हमारा लिटरेसी रेट, जिसमें हमने देखा था कि बॉयज और गर्ल्स के लिटरेसी रेट में देयर इज मच डिफरेंस. एंड द सेकंड इज अनपेड वर्क. बहुत सारी वीमेन्स होती है जो वर्क करती है और उसको उसके लिए उनको पेड नहीं किया जाता है. दैट इज द मेन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वीमेन. एंड द थर्ड इज डिफरेंस इन वेजेस. उनके वेजेस में भी एक ही काम के लिए मेन और वुमेन को जो वेजेस दिए जाते हैं उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है. किसी एक वर्क के लिए अगर
मेन को जो पैसे दिए जा रहे हैं विमेन को उससे कम दिए जाते हैं, जबकि वो लोग एक जैसा वर्क करती हैं और एक जैसे टाइम में निकलती हैं। एंड द लास्ट सेकंड लास्ट इज चाइल्ड रेशियो। इसका भी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि किस तरीके से 1000 बॉयज पर हमारे यहाँ 943 गर्ल्स हैं, जो कि रेशियो बहुत खराब है, और किसी किसी स्टेट में तो ये 843 तक भी पहुंच गया है। तो दैट इज द बिग प्रॉब्लम। एंड नाउ द लास्ट इज डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो विमेन्स आर नॉट सेफ इन आर होम ऑल्सो, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ये हमारी रिजल्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, और जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है उसमें विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि लोकसभा में 10% जो है वो विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है, और हम देखते हैं कि हमारी जो वो है स्टेट लेजिस्लेशन है वहां पर 5% है, और इसी को देखते हुए जो हमारी लोकल सेल गवर्नमेंट है वहां पर उन्होंने विमेन्स को 1/3 सीट्स जो है वो विमेन्स के लिए रिजर्व कर दी, और ये चीज लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेशन में भी आने की जरूरत है, और ये बिल अभी पास नहीं होगा, ये भी मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था। तो हमने ये बताया था कि पॉलिटिक्स में आना या पॉलिटिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सोशल डिवीजन का पॉलिटिक्स में आ जाना उस डिवीजन की चीजों को लोगों के सामने लाता है, जिससे कि प्रॉब्लम्स हम सॉल्व आउट कर सकते हैं और वो जो वीकर सेक्शन है उसको एक जो है वो पावर मिल जाती है। इसी के साथ ही हमने जब जेंडर को क्लियर किया, आज हमारा सेकेंड सोशल डिफरेंस, मैंने बताया था कि तीन सोशल डिफरेंस हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर I had already explained, and now the second social difference is religion. आज हम पढ़ेंगे religion क्या है, और religion के साथ साथ एक नया word communalism, उसको भी clear करूंगी, और किस तरीके से religion जो है वो politics पर अपना effect डालता है, और क्या religion और politics को आपस में जोड़ना चाहिए या ये दोनों आपस में बहुत different है, ये भी clear होगा, और क्या religion का politics में आना इस जब इज अ पॉजिटिव और अ निगेटिव इम्पैक्ट फॉर द डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें आज हम इसमें क्लियर करेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग रिलीजन, जैसा कि दिस इज सबसे पहली चीज ये है कि जितना जेंडर का जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन था वो उतना वास्ट नहीं है जितना कि हमारा रिलीजन का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो वास्ट है। देर आर द मैनी फॉलोअर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन। हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में या और भी कंट्रीज में हम देखते हैं वहां पे रिलीजन को देखते हुए, रिलीजन के को जो है देखते हुए बहुत सारे सोशल डिवीजन जो है वो बन चुके हैं। बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे उनको मानने वाले लोग हैं, तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो क्या होता है इसके लिए, अब हमें सबसे पहले देखना है रिलीजन। अब रिलीजन जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर रिलीजन, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग नहीं किए जा सकते, बट उनके अकॉर्डिंग जो रिलीजन था वो सिर्फ एक रिलीजन का मतलब एक धर्म को लेकर तो नहीं चल रहे थे, उनका मतलब था रिलीजन मतलब मॉरल वैल्यूज, मॉरल आइडियाज, क्योंकि हर एक रिलीजन में, हर एक रिलीजन के फॉलोअर्स को मालूम है कि हमारे रिलीजन में बहुत सारे मॉरल आइडियाज हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उन मॉरल आइडियाज को तो पीछे कर देते हैं और हम कम्युनलिज्म में आ जाते हैं। ये मैं अभी कम्युनलिज्म भी आपको क्लियर करूंगी। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग मॉरल आइडियाज, उनके बिलीव्स, ये सब जो होते हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर हम रिलीजन को इस तरीके से देखते हैं और अगर सभी लोग रिलीजन को, अपने रिलीजन को अच्छा मानना ये ठीक है, बट इसके साथ साथ हमें दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम इक्वली ट्रीट करते हैं सभी रिलीजन के लोगों को, तो कभी भी जो है रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ में जो हम उसको जोड़ेंगे अगर, तो वो गलत हमारे लिए नहीं होगा। तो एक अच्छा रोल प्ले करता है रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, हाँ तीन चीजें थी महात्मा गांधी के अनुसार भी यही था कि महात्मा गांधी ने कहा कि हम अपने मॉरल आइडियाज को जो है वो गाइडलाइन बनाएं अपने पॉलिटिक्स के लिए, जितने भी हमारे रिलीजन के मॉरल आइडियाज हैं वो पॉलिटिक्स की गाइडलाइन बनते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके साथ ही ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो भी इसी चीज को लेकर चली कि जो भी हमारे वीकर सेक्शन हैं तो वो जो रिलीजन को मानते हैं या उनके जो रिलीजन होते हैं वो उसी रिलीजन के अकॉर्डिंग हम उनको जो है ट्रीट करते हैं। एंड द थर्ड इज वेमेन डिमांडेड इक्वली फैमिली लॉ। इसके साथ साथ जो वेमेन्स है उन्होंने भी ये डिमांड करी कि जैसे कि वेमेन कहती है कि जो पुराने जो हमारे रिलीजन है
उसकी जो पुराने अगर हम उस पे जाते हैं उनके आइडियाज पे उनके थॉट्स पे जो उन्होंने बनाया जो शुरू से एक बनाकर उन्होंने चला हुआ है कि वेमेन जो है वो बाहर के काम नहीं कर सकती हैं या वेमेन को इक्वली वोट देने का जो है राइट नहीं है या वेमेन जो है वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है या उनका एजुकेशन है उन सब चीजों में उनको मैन के पीछे किया जा रहा है। तो वेमेन ने भी ये डिमांड करी कि हमको भी इक्वली फैमिली लॉज चाहिए जो भी किसी भी रिलीजन में दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर हम इन सब चीजों को लेकर चलते हैं तो कोई भी रिलीजन पॉलिटिक्स के लिए जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाता है लेकिन ये प्रॉब्लम क्रप क्रिएट करता है। मैंने बताया कि सोशल डिफरेंस जब तक है तब तक प्रॉब्लम नहीं आती है बट जब सोशल डिफरेंस सोशल डिविजन बन जाता है दैट इज द प्रॉब्लम। और डिविजन कब बनता है जब किसी रिलीजन में हमारा कम्युनलिज्म जुड़ जाता है। व्हाट इज कम्युनलिज्म व्हेन वन रिलीजन इज पिटेड अगेंस्ट अनदर। जब एक जो रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन के आगे खड़ा हो जाता है या उसके अगेंस्ट हो जाता है। एक रिलीजन के जो व्यूज है वो दूसरे रिलीजन के व्यूज के अगेंस्ट हो जाते हैं या फिर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से अपने रिलीजन को सुपीरियर मानने लगता है। ये कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं और इसके साथ साथ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है किसी भी सोशल डिफरेंस को सोशल डिविजन में चेंज करने के लिए ये प्रॉब्लम। तो ये जब इस तरह की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है तो वह कम्युनलिस्ट पॉलिटिक्स बन जाती है दैट इज द सोशल डिविजन। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्यों क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं अपने रिलीजन को सुपीरियर मानने लगते हैं। ये भी प्रॉब्लम नहीं है हम अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं वो ठीक है बट हमारे पास अनदर दूसरे रिलीजन को उससे कम मानना या उसके अगेंस्ट उसके व्यूज के अगेंस्ट होना दैट इज द प्रॉब्लम तब ये सोशल डिविजन बन जाता है। जैसा कि आपको पता है इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में तो इंडिया इज अ सेक्युलर। सेक्युलर आप लोगों को आई थिंक पता होगा नहीं तो मैं फिर से एक बार क्लियर करूं सेक्युलर का मतलब है कि देयर इज द नो रिलीजन ऑफ स्टेट। हमारे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है हमारी कंट्री में कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया जो होता है वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है हम सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इस्लाम रिलीजन है ऐसे ही हम श्रीलंका में देखते हैं तो वहां पे बुद्धिज्म है ऐसे ही अगर हम और आगे बढ़े अगर हमने इंग्लैंड ब्रिटिश में हम देखते हैं तो वहां पे क्रिश्चियनिटी है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो होते हैं वो एक नेशनल रिलीजन बना लेते हैं बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट और इंडिया में सारे ही रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो ये हमारा सेक्युलरिज्म है मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि हम रिलीजन के बेस पे या रिलीजन के बेस पे आकर हमें किसी भी तरह का सोशल डिविजन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब ये कम्युनलिज्म आ जाता है क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिक्स में कब आता है जब बहुत सारे लीडर्स इलेक्शन के टाइम पर लोगों के माइंड को कम्युनल माइंड में चेंज कर देते हैं वो इस तरीके से उनके धर्म को अच्छा और दूसरे धर्म को खराब कहके और अपने धर्म की जो है अच्छाइयां अपने धर्म की सुपीरियरिटी लोगों के अंदर दिमाग में भर देते हैं जो कि एक कम्युनल माइंड बन जाता है और ये सोशल डिविजन और बहुत सारे कंट्रीज का जो है वो रीजन बन जाता है। अब होना क्या चाहिए कि बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं कम्युनल की जिसमें कि एक फॉर्म है कि प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स बिलीव रिलीजन डोमिनेंस की डिमांड कर लगते हैं। जब हमारा माइंड कम्युनल माइंड बन जाता है तो धीरे धीरे करके हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं और स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं। अब ये जो हमारा स्टीरियोटाइप्स होना है वो क्या करता है हमारे रिलीजन को डोमिनेंस बना देता है। हम ऐसा विश्वास करने लगते हैं हम रिलीजन डोमिनेंट बन जाते हैं ठीक है और हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे रिलीजन को ही सबसे ज्यादा डोमिनेंट माना जाए सबसे अच्छा माना जाए सबसे सुपीरियर माना जाए। तो जब ये प्रॉब्लम्स आती है इस तरह की तो कम्युनिज्म सोशल डिविजन में चेंज हो जाता है और पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये बहुत बहुत इम्पॉसिबल है कि हम पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट कर सकें। तो हमें क्या चाहिए कि हम उसको सेपरेट ना करें बट उसके साथ में रहकर हम उन्हें इक्वली ट्रीट करें चाहे वो हमारी कंट्री हो चाहे हमारा गवर्नमेंट हो या हमारे यहाँ के लीडर्स हो या फिर पब्लिक हो। इस सब अगर इस चीज को बनाकर चलते हैं कि हमें इक्वली हर एक रिलीजन को ट्रीट करना है तो देयर इज द नो प्रॉब्लम तब कोई भी सोशल डिफरेंस सोशल डिविजन में चेंज नहीं होता है। सोशल डिविजन में तब चेंज होता है जब हम खुद को अकेले आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने रिलीजन को आइडेंटिफाई करते हैं हम खुद अपने आप को लेकर चलते हैं हम उसमें मल्टीपल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री लेकर नहीं चलते हैं दैट इज द प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आज हमने रिलीजन को लेकर पढ़ा इन द नेक्स्ट टॉपिक इज कास्ट। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। ये हम चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का मेरा लास्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग ऑलरेडी जेंडर के और रिलीजन के बारे में मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं क्लियर कर चुकी हूँ और जिसमें हमने बताया था कि जैसे जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और जेंडर का जो पॉलिटिक्स के साथ में रिलेशन है वो क्या है। तो हमने देखा कि जब जेंडर जो है वो पॉलिटिक्स में रिलेटेड हो जाती है तो उसके हमको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमने आपको एग्जांपल भी दिया था विमेन का, जो हम लोगों ने बताया कि विमेन जो है कैसे पंचायती राज सिस्टम में उनकी 1/3 सीट्स रिजर्व हुई, तो इस तरीके से वो पॉलिटिक्स में आई और उसका हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से अगर रिलीजन को पॉलिटिक्स से, पहली बार तो रिलीजन को पॉलिटिक्स से हम डिफरेंट नहीं कर सकते, उसको उससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं और हमें उसको लेकर चलना होता है, और जब हम लेकर चलते हैं और अगर पॉलिटिक्स में रिलीजन आ जाता है तो ये जो सोशल डिवीजन है हमारा, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो जेंडर के साथ में पॉलिटिक्स एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, बट रिलीजन के साथ में वो जो हमारा सोशल डिवीजन है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पॉलिटिक्स के साथ जुड़कर पड़ता है किसी भी कंट्री पर, किसी भी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर। एंड नाउ द थर्ड इज द कास्ट। आज हम कास्ट के बारे में बताएंगे कि कास्ट, पहली बात तो कास्ट क्या होती है और उसका कैसा रिजल्ट पॉलिटिक्स पे पड़ता है इस सोशल डिवीजन का। तो ये हमारा थर्ड सोशल डिफरेंस है कास्ट। और हम, जैसा कि आप लोगों को कास्ट के बारे में पता होगी, देयर आर मेनी कास्ट इन इंडिया, बहुत सारी कास्ट होती है, बहुत सारी कास्ट को मानने वाले लोग होते हैं। ज्यादातर लोगों का क्या व्यूज होता है कि वो अपने कास्ट के ही लोगों के साथ में, जैसे हम लोग भी शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो हमारे ऑक्यूपेशन थे वो कास्ट पर ही बेस्ड थे, कि एक फैक्ट था कि किस कास्ट के जो लोग हैं वो उसी सेम ऑक्यूपेशन में, अगर उनकी आगे की जनरेशन है वो सेम ऑक्यूपेशन ही को है फॉलो करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बार्बर है कोई, तो बार्बर का बेटा भी बोलते थे कि बार्बर का ही काम करेगा। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन उनका सेम होता था, वो सेम कास्ट में ही मैरिज होती थी उनकी, वो दूसरे कास्ट के लोगों के साथ में इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती थी। एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर मतलब दे ईट फूड आल्सो विद देयर सेम कास्ट, अपनी सेम कास्ट के साथ में ही वो खाना भी खाते थे। तो ये चीज हमने देखी कि किस तरीके से लोग कास्ट के साथ इतने ज्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे ही हम मॉडर्नाइज हुए, मॉडर्न इंडिया आए, मॉडर्न इंडिया में जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता चला गया, ये चीजें धीरे धीरे करके अपने आप से फिनिश होने लगी। आज ये जरूरी नहीं है कि जो है किसी बार्बर का बेटा जो है वो बार्बर ही बने, वो क्योंकि आजकल सबके लिए एजुकेशन इक्वल हो गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो गई है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आ गए हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजी आ गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, यहाँ तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है कि कास्ट के बेस पे किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आज जो है, जो मॉडर्न इंडिया में अगर हम देख रहे हैं तो कास्ट को लेकर उतना डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। बट उसके बावजूद, ये तो हो गई मॉडर्न इंडिया की बात, पर अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आकर देखते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया में आकर देखते हैं कि कहने के लिए है ऐसा, बट आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देयर आर मेनी सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्ट है परसिस्टेंट, बहुत सारे जो ओल्डर एस्पेक्ट्स हैं कास्ट के वो आज भी उसी चीज पे चल रहे हैं, अलग कास्ट में शादी ना करना या इस टाइप की चीजें। आप लोग भी अपने अगल बगल में कास्ट को लेकर बहुत कुछ देखते सुनते रहते होंगे, तो आपको इतना आइडिया है कि कहने के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, खत्म हो गया है, बट आज भी बहुत सारे लोग इन पुराने ही ओल्डर एस्पेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं और आज भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो ये हमारी हो गई कंटेम्पररी वर्ल्ड की बात। अगर नाउ, तो मैंने हमने बताया कि जैसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो भी है वो बहुत पुराने अर्लियर ईयर से सब चलते चले आ रहे हैं और कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे, और आज भी हम उनको महसूस कर रहे हैं, जो चीज इतनी पुराने से चलती चली आ रही थी। तो ये हमने पढ़ा आपके कास्ट के नेचर के बारे में। अब हमारा टॉपिक है कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब कास्ट के साथ हम पॉलिटिक्स को कैसे रिलेट करके चलते हैं, कि क्या कास्ट का पॉलिटिक्स पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। फर्स्टली मैं बता दूं कि कास्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं, ठीक है। पहले जैसे कि हमने जेंडर और पॉलिटिक्स में देखा जिसका पॉजिटिव इफेक्ट था, फिर हमने रिलीजन और कम्युनलिज्म में देखा जिसका कि नेगेटिव था। लेकिन अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट जो है उस पर पॉलिटिक्स का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ता है। अब किस तरह से पड़ता है वो मैं बताऊंगी। चूज द कैंडिडेट। अब देखो, जो पॉलिटिकल, अब जब इलेक्शन की बात आई, पॉलिटिक्स का मतलब इलेक्शन, जैसे ही हमारे लीडर्स जो होते हैं, जब वो अपने
कैंडिडेट्स को चूज करते हैं या जो भी पार्टीज होती हैं, जब वो अपने कैंडिडेट्स को चूज करती हैं तो वो क्या करती है, डिफरेंट कास्ट के कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी में लाती है, चूज करती है। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से हमको डिफरेंट जो है कास्ट उसका जो है ना सपोर्ट मिलेगा। अगर हम सिर्फ एक कास्ट को लेकर चलते हैं या एक कास्ट के कैंडिडेट हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर हम खड़े करते हैं तो हमें सारी कास्ट का जो है फेवर नहीं मिलेगा। तो सारी टू गेन सपोर्ट या टू गेन फेवर फॉर द ऑल द कास्ट सिस्टम ऑल द कास्ट, तो वो क्या करते हैं हर एक कास्ट के कैंडिडेट्स को अपनी पार्टीज में चूज करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, और मेक अपील्स टू विन वोट्स, और कोशिश करते हैं और उनसे अपील भी करते हैं कि वो अपनी अपनी कास्ट के लोगों के साथ में रहकर और हमें ज्यादा से ज्यादा वोट की वो अपील करते हैं कि हमें इसी बहाने वोट मिले। तो इससे क्या होता है इलेक्शन, लेकिन अब इसका मतलब ये क्यों करते हैं, ताकि उनको सारी कास्ट का सपोर्ट मिले। तो इस तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग सब कास्ट के जो है वो लोगों को अपनी पॉलिटिक्स में अपने जो है वो पार्टी में कैंडिडेट बना लेते हैं, मेंबर्स बना लेते हैं। तो क्या हम इसमें कह सकते हैं कि इलेक्शन जस्ट अबाउट कास्ट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है सिर्फ कास्ट पे ही जस्ट अबाउट है, बना हुआ है? बट ऐसा नहीं है, सिर्फ क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हारते भी हैं। तो अगर मान लीजिए कास्ट ही बेस होता और हर कास्ट के मेंबर्स को लेके चल रहे हैं तो जो है वो कैंडिडेट्स हारते क्यों? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ कास्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्शन के लिए। तो हम देखते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो होता है कास्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी थिंग्स हैं जो कि एक जो है वो प्ले रोल को प्ले करती है, मतलब सिर्फ कास्ट के बेस पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मेनी अदर थिंग्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत सारी और भी चीज होती है जो कि इफेक्ट डालती है पॉजिटिव और निगेटिव। सो अब हमने और हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शंस होते हैं जिस टाइम पर, तो आज ये क्या कर रही है जो हमारी कास्ट है वो क्या कर रही है, अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो चीज हम यहाँ पर और समझते हुए चलेंगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आज जो कास्ट कर रही है, कास्ट क्या करती है, वो अपनी दूसरी नेबरिंग कास्ट के साथ में अपने आप को मिक्स करने की कोशिश करती है। वो ये चाह रही है कि जो हमारी कास्ट है वो और ज्यादा बढ़े, एक्सटेंड करने के लिए वो लोग अपनी नेबरिंग कास्ट ग्रुप के साथ में मैच करने की कोशिश कर रही है। तो वो फॉरवर्ड में आ रही है, और अभी भी बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो कि अपनी उन्हीं पुरानी धारणाओं और पुरानी चीजों को लेकर बैठी है, या वो और ग्रुप्स के साथ में जुड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, तो वो भी बैकवर्ड में ही आ रही है। इस तरह से हमने देखा कि जो कास्ट है उसका हमारे पॉलिटिक्स पे का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ता है। कोई ऐसा खाली एक कास्ट ही एक ऐसा जस्ट कोई एक क्लू नहीं है जिसके बेसिस पे इलेक्शन या पॉलिटिक्स चल रहे हैं, क्योंकि कास्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इलेक्शंस पे या पॉलिटिक्स पे इफेक्ट डाल रही है। तो कास्ट का बहुत ज्यादा पॉजिटिव कह सकते हैं या बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ जिसमें हमने तीन सोशल डिफरेंसेस के बारे में आपको अलग अलग लेक्चर में क्लियर किया। तो ये सोशल डिफरेंस हमारे तीन थे, और ये सोशल डिवीजन जब बन जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसमें मैंने आपको जेंडर को लेकर बोला कि किस तरीके से वेमेंस ने अपने फेमिनिस्ट मूवमेंट के द्वारा अपनी जो है वो पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन दिखाई, और फिर हमने रिलीजन को लेकर चला कि रिलीजन जब कम्युनलिज्म में चेंज हो जाता है, और कम्युनलिज्म में जब एक जो रिलीजन होता है वो दूसरे रिलीजन से सुपीरियर होने की कोशिश करता है और उनके व्यूज दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो कम्युनलिज्म बन जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमने आपको कम्युनलिज्म की कई फॉर्म्स भी बताई जिससे जो है वो पॉलिटिक्स पे उसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और अगर कहीं पर गवर्नमेंट या जो भी हमारी रूलिंग पार्टी है अगर वो पॉलिटिक्स में रिलीजन को लेकर आ जाती है तो ये सोशल डिवीजन जो होता है ये बहुत बहुत ज्यादा जो है लोगों के लिए डेंजर हो जाता है, और इससे पूरे नेशन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रिलीजन का और ये कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में आना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एंड द लास्ट हमने पढ़ा कास्ट, कास्ट का हमने देखा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है सिविक्स का फिनिश हो गया, एंड आई थिंक हमारे अब सिविक्स में आई थिंक 3 या 4 चैप्टर सभी लेफ्ट हैं। तो अब हम लोगों की मुझे लगता है कि अब आप लोगों की शायद जो है समर वैकेशन से स्टार्ट हो गई है, और इसके लिए मेरा लास्ट होगा वैकेशन के पहले का वीडियो, और अब आप शायद कॉपी चेकिंग होगी। मैं कोशिश कर रही है कि आप लोग के सारे वर्क कंप्लीट हो, आप अपनी कॉपीज पे राइट डाउन करिए जो भी हम लोग पीडीएफ आपको भेजते आ रहे हैं, और मैंने आपको जो है वो
आई थिंक डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी तक के जो है वो नोट्स पहुंचा दिए हैं, तो आप लोग वहां तक का कॉपी में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और फिर जब भी यहाँ से आपके पास जो है कोई मैसेज जाएगा तब आपको कॉपी स्कूल में ला के हम लोगों से चेक करानी है। और ये जो चैप्टर है इसके अभी मैंने नोट्स नहीं दिए हैं, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं दूंगी, या अगर मैं कॉपी चेकिंग में लगूंगी तो शायद मैं ना भी दे पाऊँ। तो आप जब तक कोशिश करिए कि आपका जो है वो हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, ज्योग्राफी के भी सारे हो गए हैं और इकोनॉमिक्स भी हमारी कंप्लीट है, सिर्फ हमारे सिविक्स में चैप्टर फोर्थ तक हुआ है और अभी बाकी के चैप्टर्स बचे हैं, और फोर्थ भी नहीं हम थर्ड तक लेके चलेंगे। थर्ड तक के मैंने नोट्स आगे प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर इसमें किसी को भी कोई भी लेक्चर या कोई भी नोट्स जो है अगर कोई भी पीडीएफ बच्चों के पास नहीं है तो वो प्लीज अपने डाउट सेशन में जो है मुझसे क्लियर कर लेगा। थैंक्स ऑल फॉर टुडे।